એ પહેલાં અત્યારે બોર્ડરૂમ આપણી સાથે જોડાઈ ગયું છે કંપનીના મેનેજમેન્ટ બીકાજી ફૂડ્સના જે પરિણામ સારા એવા નંબર્સ અહીંયાથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અર્નિંગ્સના તો કંપનીના એમડી દીપક અગ્રવાલ અને સીએફઓ ઋષભ જૈન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે આપ દોનો કા સ્વાગત હે શો પર દીપકજી ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપકે લીએ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપ દોનો કો ફોર ગુડ નંબર્સ પહેલે મેં પૂછના ચાહુંગી ઓન રેવન્યુઝ ફ્રન્ટ અગર ક્યુ ક્યુ બેઝ પર અગર દેખે તો થોડા હમ દેખ રહે યહાં સે ડિપ દેખ રહે ફેસ્ટિવ સીઝન હૈ થોડા સ્ટ્રોંગ રહેના ચાહીએ तो आगे अगर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या आप यहाँ से बता रहे हैं एफ आई 23 के लिए नाइन्थ मंथ का अगर देखें नाइन मंथ 9M का 1502 करोड़ रुपए है और एफ आई 23 का जो टारगेट है 2000 करोड़ है कैसे आप देख रहे हैं इसको मैम क्वार्टर थ्री का और फुल ईयर का हम लोग देख रहे हैं जो नंबर्स है आपने सही बताया अराउंड नियर बाय 2000 एंड क्वार्टर थ्री भी हमारा अच्छा रहा है ऑल्दो जिसमें दिवाली इस बार बहुत जल्दी थी तो सारी जो सेल्स है वो सितंबर मंथ और क्वार्टर टू में ज्यादा हुआ है और ये सीजन जो होता है ये लीन पीरियड सीजन होता है मल का सीजन होता है तो यहाँ पे विंटर्स ज्यादा होने के रीजन से थोड़ा उठाव कम होता है पर क्वार्टर थ्री में क्वार्टर फोर में होली आ रही है और होली पे हम लोग हमेशा अच्छा सेल्स करते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग सेम नंबर्स पे और बेटर ग्रोथ पे बेटर नंबर्स पे हम लोग परफॉर्म करेंगे ओके ऋषभ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ऑन मार्जिन्स मार्जिन्स अगर 10.4% पे हम लोग देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है जो फोकस यहाँ पर है मार्जिन्स को लेकर डबल डिजिट ग्रोथ आपको लग रहा है मार्जिन्स में FY 24 के लिए सस्टेनेबल रेंज क्या है हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ ही डबल डिजिट मार्जिन प्लान कर रहे हैं ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस हम यही हम टारगेट कर रहे हैं फॉर कमिंग 4-5 क्वार्टर्स ओके यहाँ से अगर जो आपने टारगेट भी बताया रेंज भी बताया नेक्स्ट दीपक जी आप बताइए डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में मैं पूछना चाहूंगी हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स डिड यू ऐड ड्यूरिंग दिस क्वार्टर मैम अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर तक देखेंगे या लास्ट ईयर तक देखेंगे तो लास्ट ईयर FY में हमारे करीबन डिस्ट्रीब्यूटर्स 1600 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर और आज की डेट में हमारे पास 2000 के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ओके और साथ ही आप ही को पूछूंगी दीपक जी स्वीट्स हाउ मच डू स्वीट्स नाउ अकाउंट स्पेशली फॉर इन योर ओवरऑल मिक्स अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म गोल के बारे में स्वीट्स का ग्रोथ काफी अच्छा है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से काफी ऑर्गेनाइज हो रहा है बहुत सारी ऐसी स्वीट्स है जिनकी पहले शेल्फ लाइफ नहीं होती थी पर अब न्यू पैकेजिंग और न्यू टेक्नोलॉजीज के रीजन से काफी स्वीट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है और बेटर शेल्फ लाइफ देखने को मिल रही है तो हम लोग भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की टाइम पे हम लोग ये FY में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग 10-12% हम लोग टोटल स्वीट्स का टर्नओवर करेंगे तो अनुमान के हिसाब से 200 CR के आसपास हम लोग करेंगे और स्वीट्स की ग्रोथ काफी अच्छी है अभी ये जो सीजन है वो थोड़ा स्वीट्स का कम है इन दिनों में लोग थोड़ा सोन पापड़ी और रसगुल्ला कम खाते हैं थोड़ा गुलाब जामुन गरम गुलाब जामुन खाते हैं या अदर तरह की मिठाई खाते हैं पर अब जैसे होली आ रही है और वेडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है तो हम लोग अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओके ऋषभ जी आप बताइए करंट मार्केट शेयर जो है इन कोर स्टेट्स वो कैसा है आउटलुक आगे आप क्या दे रहे हैं सो हम लोग की काफी लीडरशिप पोजीशन है हमारे तीन कोर स्टेट जैसे राजस्थान आसाम बिहार और हम इसमें कंटिन्यू मार्केट शेयर गेन करते रहते हैं और आगे भी हमारा प्लान है हम इसमें गेन करते रहें ओके एंड लास्टली दीपक जी आपसे पूछना चाहूंगी बजट अभी फ्यू डेज टू गो आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस है या सेक्टर रिलेटेड या क्या यहां से अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं कुछ एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू बजट देखिए रॉ मटेरियल प्राइसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है तो मैं बजट में एक्सपेक्ट करता हूँ कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे थोड़ा उसको ओपन किया जाए और रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए या फिर रॉ मटेरियल का प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ अच्छे कदम उठाए एग्री बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए और वैसे गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है हर जगह पे PLI स्कीम्स दे रही हैं सब्सिडीज दे रही हैं तो उसी राह पे अगर उम्मीद करते हैं कि और गवर्नमेंट बेहतर योगदान करेगी सबके लिए ओके दीपक जी एंड ऋषभ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स